लखनऊ में अभिनंदन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधन कर रहे हैं, सीधा आपको ले चलते हैं। भवान एवं मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश इस पावन धरा पर हमारे मित्र राष्ट्र दक्षिण कोरिया से पधारे हुए आप सभी पावन दिव्य संघ का मैं उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भारत और दक्षिण कोरिया के राजनयिक संबंधों की अर्ध शताब्दी पूरी होने के उपलक्ष्य में उभय राष्ट्रों के संबंधों को मैत्रीपूर्ण प्रकारता प्रदान करने हेतु संपन्न हुई जोगेश संघ की सफल धम्म यात्रा की मैं आप सबका सबको हृदय से बधाई देता हूं। दोनों देशों की खुशहाली की प्रार्थना जब भिक्षु संघ करता है या हमारे संत करते हैं तो वह निश्चित ही फलीभूत होती है। आपने इस यात्रा की शुरुआत सारनाथ से करके बोधगया, वित्तकूट पर्वत, राजगीर, नालंदा, वैशाली, कुशीनगर, लुम्बनी, कपिलवस्तु के दर्शन करते हुए श्रावस्ती में संपन्न की, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। चुघा आयो, चुघा आयो, भारत और दक्षिण कोरिया की स्वतंत्रता दिवस की तिथियां एक है यानी 15 अगस्त। वर्तमान में भारतवासी अपनी आजादी के अमृत महोत्सव के उपरांत अमृत काल के प्रथम वर्ष में प्रवेश किए हैं। भारत और दक्षिण कोरिया दोनों देश G20 समूह के सदस्य हैं। अपनी आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारत को G20 समूह की अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस वर्ष G20 की थीम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर है। यह भारत के प्राचीन वसुधैव कुटुंबकम के भाव से हमें जोड़ती है। पूरी दुनिया में जब भी मैत्री और करुणा की बात होती है विश्व मानवता भगवान बुद्ध का स्मरण करती है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में यही बात पूरी मजबूती के साथ कही कि दुनिया ने दुनिया के कुछ देशों ने विश्व मानवता को भले ही युद्ध दिया हो लेकिन भारत ने दुनिया को बुद्ध दिया है, विश्व भर के बौद्ध समाज के लिए भारत इसीलिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। उत्तर प्रदेश के लिए गौरव का विषय है कि भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण स्थल यहां पर अवस्थित हैं। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन को 2/3 हिस्सा उत्तर प्रदेश में व्यतीत किया था। वाराणसी के समीप स्थित सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती में
सर्वाधिक 25 वर्षावास हमारे सन्यासियों की परंपरा में वर्षा काल में जो 4 मास होते हैं वो चातुर्मास के रूप में माने जाते हैं और वे चातुर्मास भगवान बुद्ध ने 25 चातुर्मास श्रावस्ती में व्यतीत किए थे। उनकी महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर भी उत्तर प्रदेश में है। श्रावस्ती, कपिलवस्तु, देवदह, कुशीनगर, संकिसा, देवगढ़, ललितपुर, अहिछत्र बरेली, कौसाम्बी ये सभी बौद्ध आस्था के पावन स्थल हैं। इन सभी बौद्ध स्थलों के केंद्र में प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ चारों तरफ से भगवान बुद्ध के आभामंडल से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सरकारी स्तर पर संचालित इतना विशाल बुद्ध विहार, शांति उपवन बुद्ध विहार है जहां यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हमारे प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान भी है जहां शोधार्थी बौद्ध धर्म पर शोध करते हैं। भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में अवस्थित है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भगवान बुद्ध के जीवन दर्शन से जुड़े सभी पवित्र स्थलों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित किया जा रहा है। कुशीनगर में कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट संचालित हो गया है। श्रावस्ती में एयरपोर्ट का विकास युद्ध स्तर पर चल रहा है और शीघ्र हम श्रावस्ती को भी वायु सेवा से जोड़ेंगे। प्रदेश सरकार महात्मा बुद्ध के नाम पर एक कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर में ही स्थापित करने जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत और दक्षिण कोरिया के संबंध आज एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तथा दक्षिण कोरिया के माननीय राष्ट्रपति श्री मून जई इन ने वर्ष 2018 में प्रदेश के जनपद गौतम बुद्ध नगर स्थित नोएडा में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की नई मोबाइल फोन निर्माण इकाई का संयुक्त रूप से उद्घाटन भी किया था। भारत और दक्षिण कोरिया का परस्पर व्यापार 28 बिलियन डॉलर का है जिसमें भारत 9 बिलियन डॉलर की वस्तुएं निर्यात करता है और 19 बिलियन डॉलर का दक्षिण कोरिया से आयात भी करता है। आधुनिक युग में भारत और दक्षिण कोरिया के राजनीतिक संबंधों के 50 साल पूरे हो रहे हैं लेकिन वास्तव में भारत और कोरिया के आध्यात्मिक संबंध शताब्दियों पुराने हैं। कोरिया के ध्यान पंथ सियोन की उत्पत्ति श्रावस्ती के जैतवन उत्तर प्रदेश से ही हुई है। अयोध्या की राजकुमारी द्वारा लगभग 2000 वर्ष पूर्व जलमार्ग से अयोध्या से कोरिया की यात्रा की गई थी जान का विवाह वहां के स्थानीय राजा किम सूरो के साथ हुआ और राजकुमारी का नाम हु वांग आग पड़ा। राजकुमारी हु वांग आग एवं राजा किम सूरो से करक वंश की स्थापना हुई। वर्तमान समय में कोरिया में एक बड़ी आबादी इस वंश से जुड़ी हुई है। दक्षिण कोरिया की माननीय प्रथम महिला सुश्री किम जोंग सोक महोदया 6 नवंबर 18 को अयोध्या में दीपोत्सव के पावन आयोजन में उपस्थित हुई थी। भारत एवं दक्षिण कोरिया के प्राचीन और प्रगाढ़ सांस्कृतिक संबंधों के दृष्टिगत इस अवसर पर माननीय प्रथम महिला द्वारा हम उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के क्वीन हो मेमोरियल
पार्क परियोजना का वहां पर शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न किया गया। दोनों देशों के मध्य सांस्कृतिक संबंधों को विस्तार देने के उद्देश्य से अयोध्या में राम कथा पार्क के समीप 11,658 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 21,92,00,000 रुपये की धनराशि से क्वीन हो मेमोरियल पार्क का निर्माण कार्य अब पूरा कर लिया गया है। इस पार्क में किंग्स पेवेलियन, क्वीन पेवेलियन तथा कोरियन वॉल का निर्माण भी किया गया है। अयोध्या तक कोरिया के गिमेह शहर सिस्टर सिटी भी है। भारत के बौद्ध आचार्य बौद्ध धम्म भगवान बुद्ध के धम्म को चीन होते हुए कोरिया में इसने प्रवेश किया। आपकी ध्यान परंपरा सियोन का उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश का ही श्रावस्ती है, जहां आपकी यात्रा का उपसंहार हुआ। इस प्रकार बौद्ध जोगेश के उद्गम की जड़ें भारत में है। हमारे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंध सदियों पुराने हैं। इस देश से आप विदेश में नहीं बल्कि अपने आध्यात्मिक पूर्वजों के घर में आए हैं। यहां आप अपने गुरु भाइयों से मिलने आए हैं। मेरे संज्ञान में आया है कि इस धम्म यात्रा के आयोजक सैगवा सोसाइटी इंडिया पिलग्रिमेज है। एक सफल यात्रा के लिए मैं आयोजित करने के लिए आप सबको बधाई देता हूं। इस पावन संघ ने 43 दिन की यात्रा में 1,168 किलोमीटर की पैदल यात्रा की, जो अत्यंत ही प्रेरणादायी है। हमारे देश में भी तीर्थों की पैदल यात्रा की परंपरा है। हर हमारे पवित्र तीर्थ में पंचकोसी परिक्रमा, 14 कोसी परिक्रमा, 84 कोसी परिक्रमा और नदियों की भी परिक्रमा, नर्मदा परिक्रमा, ये भारत के अंदर बहुत पवित्र मानी जाती है। आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र उत्तर प्रदेश में आप लोगों की यात्रा का सुखद अनुभव आप अपने देश में साझा करेंगे तो अन्य लोग भी यहां आने के लिए प्रेरित होंगे। मुझे विश्वास है कि भविष्य में हम संघ के अन्य सदस्यों को भी प्रदेश आगमन में स्वागत का अवसर आप सब उपलब्ध कराएंगे। हमारे मैत्री चरिस्थाई हो भवतु, सप्त मंगलम। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ स्वदेश वापसी की आपकी सुखद यात्रा की मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। गमसहा निदा, जय भारत, कोरिया मैत्री, जय हिंद।